मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिद गाह के बीच भूमि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें बुधवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण न्यास के अध्यक्ष व अधिवक्ता महेंद्र प्रताप द्वारा दायर याचिका पर एडीजी 6 कोर्ट में गर्मा गर्म बहस हुई। आपको बता दें कि इस प्रकरण में शाहिद गाह की तरफ से वकील तनवीर अहमद ने बहस की तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से अधिवक्ता जेपी निगम द्वारा काफी देर तक बहस की गई। तो वहीं भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश की। इस दौरान अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने कोर्ट में निवेदन करते हुए शाहिद गाह के लिए कोर्ट कमीशन नियुक्त करके उसका वास्तविक सर्वेक्षण कराने की मांग की, जिस पर कोर्ट से जल्द आदेश जारी करने का अनुरोध किया। तो वहीं शाहिद गाह की तरफ से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत मामले में सुनवाई की गुहार लगाई है। इस दौरान सभी पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद न्यायाधीश एडीजी 6 ने पूरे मामले को समझने के बाद आदेश जारी करने के लिए 20 मार्च की तारीख तय की है। अब कोर्ट का यह आदेश किसके पक्ष में जारी होगा यह तो आने वाला 20 मार्च को ही पता चलेगा। एडीजे 6 न्यायालय में जो सुनवाई चल रही है इसकी, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि बाजी पक्ष लगातार अलग अलग रूप से प्रार्थना पत्र देकर, कभी रिविजन की प्रार्थना पत्र देकर सुनवाई टालते चले आ रहे हैं। जब माननीय लोअर कोर्ट द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया कि 25 जुलाई 2022 से इस प्रकरण की डे टू डे सुनवाई होगी, कोई भी पार्टी कोई पक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं देगा, जुर्मन नहीं देगा। पहले दिन ही 25 तारीख को बाजी पक्ष ने इसमें स्थगन प्रार्थना पत्र दिया और 250 रुपये पहले भी इस पर हर्जाना हो चुका है, तो वो लगातार टालते रहे। और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उठाया गया वो ये कि उनका जो प्रार्थना पत्र जिसको वो रिवीजन में लेके आए हैं वो फाइनल ऑर्डर नहीं है, न्यायालय द्वारा उसको खारिज नहीं किया गया, तो आखिर कानूनन वो रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है। कानून में ये है कि अगर उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाता तो वो रिवीजन उनका लाई करता था। तो हमारा ध्यान बार बार हमने माननीय न्यायालय का ध्यान इसको आकर्षित कराया कि जब इस प्रार्थना पत्र को आदेश पारित किया ही नहीं गया तो वो रिवीजन उसका मेंटेनेबल हो सकता है। इसके लिए हमने विधि व्यवस्था भी दी है और ये मांग भी की है कि 7/11 सीपीसी पर ही पहले सुनवाई हो। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात 20 मार्च उसमें निर्धारित कर दी है। अगर शेष आर्गूमेंट्स और जो विधि व्यवस्था देनी होगी और जजमेंट, इसके लिए 20 तारीख को इसमें सुनवाई होगी और फैसला होगा। लंडन और कोर्ट में हमने एक दरखास्त लगाई थी कि जनों की तरफ से जो मुकदमे फाइल किए गए उसमें कि ये मुकदमा चलने लायक नहीं है। ऑर्डर 7/11 सीपीसी के तहत वो एप्लीकेशन लगती है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की। लंडन और कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट सुनने के बाद, दूसरे पक्ष के आर्गूमेंट सुनने के बाद, सबसे पहले ये माना कि उनकी कमीशन की जो दरखास्त है उस पर सुनवाई नहीं होगी बल्कि इस एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी कि मुकदमा चलने लायक है अथवा नहीं। उस आदेश के खिलाफ दूसरी पार्टी ने आज रिविजन फाइल किया था किसान हिंदुस्तान वालों की तरफ से, जिस पर हमारे आर्गूमेंट लास्ट डेट पर भी हुए थे और चल रहे थे, आज भी आर्गूमेंट होने थे। आज दोनों पक्षों के आर्गूमेंट समाप्त हो चुके हैं, उसी रिवीजन पर आर्गूमेंट किया गया था और नोबल कोर्ट के सामने ये इशू आया कि वास्तव में जो लंडन डोर का कोर्ट का जो आदेश है कि 7/11 की सुनवाई पहले की जाए वो सही है या गलत है। हमारा पक्ष ये था कि लीगली 7/11 का जो आदेश किया गया है पहले सुनवाई का वो बिल्कुल सही है। दूसरे पक्ष का कहना ये था कि नहीं सर, हमारी कमीशन की जो दरखास्त है उस पर सुना जाए। तो उस पर दोनों पक्षों के आज आर्गूमेंट हुए, फाइनली कंक्लूड हो गए। संभवतः 20 तारीख अब फिक्स कर दी गई है, तो 20 तारीख को इसी रिवीजन में आदेश पारित किया जाए।